सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तरसेम सिंह मठाड़ू के नाल तुसी देख रहे हो टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल दियां अज दोपहर दियां ताज़ा तरीन वड्डियां खबरां। दोस्तों इन्हां खबरां नूं शुरू करन तों पहले एक बारी नज़र मारदे हां चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है कि पेट्रोल ते डीजल दी परेशानी खत्म, 28 सितंबर नूं आ रही भारत दी पहली फ्लैक्स फ्यूल कार। BMW वल्लों प्लाट लगाए जाण दे माण दे दावे नूं BMW ग्रुप ने इंडिया ने नकारिया। पंजाब तो बाहर तब्दील नहीं होणगीआं फौज दीआं भर्ती रैलियां, भारतीय फौज ने कीता स्पष्ट। केजरीवाल ने पंजाब के सारे पार्टी विधायकों ते राज्यसभा मैंबरां नूं दिल्ली बुलाया। सिमरजीत मान दा वड्डा विवादित बयान, नहीं मिले हक तां चुकणी पवेगी बंदूक। ट्रांसपोर्ट मंत्री वल्लों औरतां लई मुफ्त बस सफर दे बकाए दे स्थाई हल लई वित्त मंत्री नाल मीटिंग। मुफ्त बिजली लई नवां नियम, सबसिडी चाहीदी है तां इस नंबर ते करो मिस्ड कॉल। कैदियों तोहफा, हुण कैदियों की परिवारिक मैंबरां नाल जेल की ड्यूटी च होया करेगी मुलाकात। पंजाब च इन्हां जिलों च अज तो हल्की तो दरमियानी बारिश की संभावना। पंजाब ते दिल्ली सरकार की सांझी पहल, पंजाब च 5000 एकड़ च लगेगा पूसा बायोडीकंपोजर प्रोजैक्ट। अमन अरोड़ा वालों अधिकारियों नूं मकान उसारी ते शहरी विकास विभागों दीआं सारीआं ऑनलाइन सेवावां समाबद्ध ढंग नाल प्रदान करन दे आदेश। तो दोस्तों इस दी अपनी इस वेले दी चोणवीआं खबरां, हुण गल्लबात करदे हां जी इन्हां खबरां दी विस्तार नाल। कृपा करके दोस्तों जे साडे द्वारा दित्ती गई जानकारी तुहानूं चंगी लगदी तां अपनी जानकारी नूं अपने दोस्तां मित्रां इस तरह तक वध तों वध शेयर जरूर करिया करो ते नाल ही लाइक भी जरूर करदा करो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद होवेगा। गल करदे हां जी पहली वड्डी खबर दी कि पेट्रोल ते डीजल दी परेशानी खत्म, 28 सितंबर नूं आ रही भारत दी पहली फ्लैक्स फ्यूल कार। पेट्रोल ते डीजल दीआं वधदीआं कीमतां नूं लै के चेतावां जल्दी ही खत्म होण जा रहीआं ने, क्योंकि भारत दी पहली फ्लैक्स फ्यूल इंजन वाली कार लांच होण वाली है। यह टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा बनाई जा रही है ते 28 सितंबर 2022 नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पेश की जाएगी। जानकारी लिए दस दिए कि पिछले साल जून च ही गडकरी ने देश में फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाले वाहनों को लाजमी करने का संकेत दिता सी ते कहा सी कि इस नाल किसानों को मदद मिलेगी ते नाल ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। BMW वालों प्लाट लगाए जाण दे माण दे दावे नूं BMW ग्रुप इंडिया ने नकारिया। पंजाब च मुख्यमंत्री भगवंत मान दे जर्मनी तो फॉरन इन्वेस्टमेंट दे दावे नूं झटके लगन लगे ने। इस दी शुरुआत BMW तो हुई है। CM मान ने दावा किया सी कि BMW पंजाब च आटो पार्ट्स मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगावेगी। भगवंत मान दे हवाले तो यह ऑफिशियल इनफॉर्मेशन दी गई। यह दावा सुरखियां बनिया ते BMW ग्रुप इन इंडिया ने इस नूं सिरे तो खारज कर दिता। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि कंपनी की अजिही कोई योजना नहीं है, जिस तो बाद विरोधी भी हमलावर हो गए। उन्होंने इसनों CM की क्रेडिबिलिटी से सवालिया निशान दसते हुए भगवंत मान तो स्पष्टीकरण मंगया। CM भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा कि विश्व प्रसिद्ध कार कंपनी BMW के हैंड ऑफिस BMW के हैड ऑफिस उन्होंने टॉप ऑफिशियल नाल मुलाकात हुई। उन्होंने व्डे पद्धर से कारा के पार्ट्स नाल संबंध यूनिट पंजाब लगाने लिए हामी भरी। अजे उन्होंने सिर्फ एक प्लाट चेन्नई में है। CM मान के दावे से सवाल खड़े हुए तो आम आदमी पार्टी को सफाई देनी पवेगी। पार्टी के मुख्य बुलारे मालविंदर कंग ने कहा कि कोई भी प्लाट लगाने तो पहला काफ़ी प्रोसीजर होंगे। मान की गलबात BMW के हैड ऑफिस हुई है, ना कि भारतीय यूनिट नाल। BMW की डेलीगेशन फरवरी 2023 पंजाब इनवैसट समिट में आएगा, जिथे पूरी योजना रखी जाएगी। पंजाब तो बाहर तब्दील नहीं होणगीआं फौज दीआं भर्ती रैलियां, भारतीय फौज ने कीता स्पष्ट। भारतीय फौज की अग्निपथ स्कीम तहत पंजाब च भर्ती रैलियां तय प्रोग्राम मुताबक ही होणगीआं। इह रैलियां पंजाब तो बाहर किते होर थां तब्दील नहीं होणगीआं। भारतीय फौज ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ स्कीम तहत भर्ती रैलियां पंजाब के लुधियाना और गुरदासपुर में सफलता नाल सिरे चढ़ गई ने। भर्ती रैलियां 2022-23 के तय प्रोग्राम मुताबक कीतियां जा रही ने। फौज के सूत्रों मुताबक फौज को स्थानक प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है ते रैलियां पंजाब तो कितने होर तब्दील नहीं होणगीआं। इस तो पहला फौज के जलंधर छावनी जोन के भर्ती अधिकारी ने पंजाब के मुख्य सकत्र VK जंजुआ ते प्रिंसीपल सकत्र कुमार राहुल नूं पत्र लिखा सी कि उन्होंने स्थानक सिविल प्रशासन तो स्पष्ट तौर पर समर्थन नहीं मिल रहा ते ना ही रैलियां लई लोड़ीदे प्रबंध किए गए ने। केजरीवाल ने पंजाब के सारे प्रापर्टी विधायकों
राज सभा मैंबरों दिल्ली बुलाया। ऑपरेशन लोटस तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों खरीदने का दोष लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों और राज सभा मैंबरों दिल्ली बुलाया है। पार्टी मुखी अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सारे विधायकों और राज सभा मैंबरों 18 सितंबर को दिल्ली पहुंचने के लिए पार्टी के एक सीनियर विधायक ने इसकी पुष्टि की है। जिस तरह पार्टी ने विधायकों की खरीद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलिया, उस तो स्पष्ट है कि पार्टी इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहती। पंजाब के विधायकों की यह मीटिंग हिमाचल प्रदेश और गुजरात चोणों के मद्देनज़र अहम है। पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एकजुट रहने सारे विधायकों गल कर सकते हैं। इस तो पहले दिल्ली में भी उन्होंने अपने विधायकों खरीदने के दोषों दरम्यान विधानसभा का सैशन बुला के भरोसे का वोट हासिल किया। उधर भारतीय जनता पार्टी के आगुओं ने आम आदमी पार्टी के दोषों सिरे तो नकारदे कहा कि पार्टी का अंदरूनी कलेश उन्होंने सताया जा रहा है तो इसलिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। सिमरजीत मान का वड्डा विवादित बयान नहीं मिले हक तो चुकनी पवेगी बंदूक। अमृतसर में सिखा वालों श्री दरबार साहब के बाहर जमहूरीत हक दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान जमहूरीत हक ना मिलने लैके सरकारों के खिलाफ आवाज़ चुकी जा रही है। बीते दिन जमहूरीत दिवस में लैके मैंबर पार्लीमेंट सिमरजीत सिंह मान ने हक ना मिलने पर हथियार चुकने की गल आखी। पंजाब के संगरूर के मैंबर पार्लीमेंट सिमरजीत मान वालों अमृतसर में एक प्रैस वार्ता की गई, जिस जमहूरीत हक दिवस मनाने का फैसला लिया गया, जिसके चलते अज जमहूरीत हक दिवस मनाने सचखंड श्री दरबार साहब के बाहर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान जमहूरीत हक ना मिलने लैके सरकारों के खिलाफ आवाज़ चुकी जा रही है। ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों औरतों लिए मुफ्त बस सफर के बकाए के स्थाई हल वित्त मंत्री नाल मीटिंग। पंजाब सरकार वालों औरतों दी जाती मुफ्त बस सफर सहूलत के बकाए के स्थाई हल लई ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बुधवार वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा नाल मीटिंग की। ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों वित्त मंत्री नूं जाणू करवाया गया कि औरतों की भलाई वाली इस स्कीम लई फंड समय सिर ना जारी होना कारण विभाग में तनखाहों समेत होर देनदारियों में दिक्कत आ रही है। इस समस्या का स्थाई हल कढ़िया जाना चाहिए ता जो विभाग का लेन देन समय सिर यकीनी बनाया जा सके। वित्त मंत्री चीमा ने भरोसा दवाया कि इस स्कीम लई फंड छेती जारी किए जाएंगे। मीटिंग दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने प्रमुख सकत्र वित्त अजोय कुमार सिन्हा, ट्रांसपोर्ट विभाग के सकत्र कुमार विकास गर्ग और सकत्र समाजिक सुरक्षा सुमेर सिंह गुर्जर, PRTC के MD पूनमदीप कौर अते होर सीनियर अधिकारियों इस समस्या को छेती तो छेती हल करने के निर्देश दिए ने। मुफ्त बिजली नवा निजम सबसिडी चाहिए तो इस नंबर पर करो मिस्ड कॉल। नवी दिल्ली तो खबर है जी कि दिल्ली में बिजली सबसिडी लेकर केजरीवाल सरकार ने वड्डा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने बिजली सबसिडी लैने लिए मोबाइल नंबर 7011311111 जारी किया है। तुहानू इस मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करनी पवेगी। जेकर तुसी मोबाइल पर मिस कॉल नहीं की जा फार्म भी जमा नहीं करवाया तो तुहाडी बिजली सबसिडी बंद कर दी जाएगी। अजिहे जेकर तुसी बिजली सबसिडी का फायदा लै रहे हो तो तुहानू दोबारा बिजली सबसिडी लई अपलाई करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि बिजली बिल के नाल एक फार्म आएगा, जिस फार्म नू भरो अते इसनू बिजली दफ्तर जमा करो ज 7011311111 ते मिस कॉल करो। कैदियों नूं तोहफा, हुण कैदियों के परिवारक मैंबरां नाल जेलां दी ड्यूटी विच होया करेगी मुलाकात। पंजाब दी जेलां विच बंद कैदी हुण सलाखां तों पार आपणियां दा दीदार कर सकणगे। चंगे आचार अते विहार वाले कैदियों लई पंजाब सरकार वल्लों तोहफा देण लई पहलकदमी की जा रही है। जिन्हां कैदियों दीआं परिवारक मेलियां करवाईआं जाणगीआं उन्हां नूं इस लई समां वी पहलां नालों वध दित्ता जाएगा। जेलों में मेलिया की वीरवार तो शुरुआत हो जाएगी। जेल विभाग वालों कैदियों के विहार में सुधार लिया परिवारक माहौल देने विशेष प्रोजैक्ट की शुरुआत की जा रही है, जिस तहत जेलों में बंद हवालाती लंबा समा पैरोल से ना जाने वाले कैदियों चंगे विहार वाले कैदियों की उन्होंने परिवार खुले माहौल में मेलनी करवाई जाएगी। इस मेले की खास गल यह है कि इस दौरान कैदी या हवालाती उसके परिवार विचकार सलाखा नहीं होनगियां, सगो यह मिलनी जेल की खुली ड्यूटी में बैठ के होगी तो मिलने का समा भी वध दिता जाएगा। पंजाब के इन जेलों में अज तो हल्की तो दरमियानी बारिश की संभावना।
पंजाब एक बार फिर तो मानसून सरगर्म हो गया। यही कारण है कि वीरवार को सूबे के वक्-वक् हिस्सों में मीह पैण की संभावना। मौसम केंद्र चंडीगढ़ अनुसार वीरवार को पंजाब के फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा च मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सूबे के होर जिले हल्की तो दरमियानी बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया। मौसम विभाग मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को मौसम अजिहा ही रहेगा। ऐतवार को फतेहगढ़ साहिब, पटियाला हल्की तो दरमियानी बारिश की संभावना है। इस तों इलावा पूरे सूबे मौसम खुश्क रहेगा। मौसम विभाग मुताबिक मानसून सीजन हुण तक 699.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिथे जुलाई महीने 473.3 मिलीमीटर मीह पिया, उत्थे अगस्त महीने 169.1 मिलीमीटर मीह दर्ज किया गया। पंजाब ते दिल्ली सरकार की सांझी पहल, पंजाब दे 5000 एकड़ च लगेगा पूसा बायोडी कंपोजर प्रोजैक्ट। झोने की पराली के प्रबंधन और किसानों हर संभव मदद दे निरंतर यत्न कर रही पंजाब सरकार दे यत्नां उस वेले वड्डा बूर मिलिया जदों पराली के प्रबंधन विच पंजाब अते दिल्ली सरकार की सांझी वड्डी पहल सदका पंजाब च पूसा बायोडी कंपोजर का 5000 एकड़ विच प्लाट प्रोजैक्ट करन दा फैसला किया गया। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस बयान राही जानकारी साझी करदा दस्सिया कि इस संबंधी कल देर रात नवी दिल्ली विखे उच्च पद्धरी मीटिंग की गई। पहला वह नवी दिल्ली विखे पराली तो होने वाले प्रदूषण लिए रोकने लिए इसके प्रबंधन संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मिले। तो इस संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री वालों पूर्ण मदद का भरोसा दिता गया। इस उपरंत इस संबंधी दिल्ली के खेतीबाड़ी मंत्री गुरपाल राय नाल भी मुलाकात की। तो यह प्रोजैक्ट दोवें सूबे दीयां सरकारां वालों मिल के पंजाब विच कीता जाएगा। अमन अरोड़ा वालों अधिकारियों मकान उसारी ते शहरी विकास विभाग दीयां सारियां ऑनलाइन सेवावां समाबद्ध ढंग नाल प्रदान करन दे आदेश। पंजाब दे मकान उसारी ते शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि विभाग दे कामकाज विच होर कुशलता अते पारदर्शिता लियाउण दे नाल नाल जवाबदेही तय करन दे मकसद नाल लोकां नूं सारियां सेवावां समाबद्ध ढंग नाल ऑनलाइन मुहैया करवाईयां जाणगीआं। कैबिनेट मंत्री ने दस्सिया कि सब तों पहलां मकान उसारी ते शहरी विकास विभाग ने जायदाद मालकां दी उहनां दी फाइल नाल संबंध सारे दस्तावेज़ तक पहुँच यकीनी बनाई है, जिस नाल हुण उह आसानी नाल अपने दस्तावेज संबंधी विभागी कार्रवाई नूं वेख सकणगे। तां दोस्तो इह सीगीआं आपणीआं अज दुपहर दीआं ताज़ा तरीन वड्डीआं खबरां। दोस्तो जे साडे द्वारा दित्ती गई जानकारी तुहानूं चंगी लगी तां आपणी जानकारी नूं वध तों वध लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। दोस्तो असीं मिलदे जी अगले दिन दीआं नवीआं ते होर ताज़ा खबरां नाल। हुंदे लई इन्ना ही, धन्नवाद, सति श्री अकाल।